हमारे संवैधानिक संस्था संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन अभी इतना आसान नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का पार्टी नहीं, इस राज्य का सिपाही है। तो पूंजीपतियों का जो एक गिद्ध नजर है, उस गिद्ध नजर से झारखंड वासियों को बचाने का काम किया जाए। हमेशा से इतिहास गवाह है कि कमजोर, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा ही अपने हक अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा सड़कों पर उतरा है। इस मिलन समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर पार्टी में आए हमारे नए सदस्य कई दशकों से जनजातीय वर्गों के अनुसूचित जातियों के बीच सक्रिय रहे विधायक केदार हाजरा जी और हमारे पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे हमारे बड़े भाई आदरणीय दुर्गा सोरेन जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर युवा राजनीति की नींव रखने वाले और झारखंड आंदोलन के भूमिका में रहने वाले बड़े भाई उमाकांत रजक जी, आज इन दोनों ने पार्टी पर अपनी आस्था जताई है और पार्टी पर शामिल होने का भी काम किया। कई पत्रकारों का बहुत कॉमन सवाल होगा कि चुनावी माहौल है, ऐसा है, वैसा है, आज चुनाव हो रहा है तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का पार्टी नहीं है, इस राज्य का सिपाही है। हम लोग इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरुआ, अल्पसंख्यक के प्रति हम लोगों की जो कमिटमेंट है, जो हम लोग इनके बीच में हम लोगों की जो एक संबंध है, एक रिश्ता है, जिसके बदौलत मात्र एक जो लोग इस राज का अलग राज का सपना देखने वाले लोग अकेले निकले राज अलग करने को, कारवा जुड़ता गया। हमारे दो भाई हमारे इस राजनीतिक ताकत का एक और हिस्सा बनने का, उसमें बढ़ाने का हिस्सा का काम में जुटेंगे और निश्चित रूप से आने वाला समय में जो यहाँ पूंजीपतियों का जो एक गिद्ध नजर है, उस गिद्ध नजर से झारखंड वासियों को बचाने का काम किया जाए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उन कार्यकर्ताओं का भी जो आज यहां दोनों के साथ बड़ी संख्या में आए हैं। और मैं आप सब लोगों को भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जरूर राजनीतिक दल का एक नेता हूं, लेकिन साथ साथ
मैं इस राज्य के एक ऐसे व्यक्ति का भी खून का एक बूंद हूं जो आज आपके सामने खड़ा है, जिसने इस राज्य के लिए, इस राज्य के आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अपना बचपन, अपना जवानी, अपना बुढ़ापा कुर्बान कर दिया। मुझे गर्व है कि उनकी उन जिम्मेवारियों को हमने अपने कंधों पर उठाया और आज हमारे उन शहीदों के पद चिन्हों पर हमने चलने का काम किया। और ये रास्ते बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, इस राह में चलना सबकी बस की बात नहीं है। बहुत लोग कहीं छूट जाते हैं, कहीं छोड़ जाते हैं इस सफर को, लेकिन ये रास्ते पर निश्चित रूप से यही एक रास्ता है जिससे हम अपना मंजिल पहुंच पाते हैं या पहुंच सकेंगे। तो हमारा ये कारवां आगे चलता रहेगा और निश्चित रूप से हमेशा से इतिहास गवाह है कि कमजोर, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा ही अपने हक अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा सड़कों पर उतरा है। हमारे संवैधानिक संस्था, संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। अभी भी देश के हर एक कोने में कई ऐसे सपूत हैं जहां अपने इस लड़ाई को जारी रखे हुए। आने वाला वक्त में निश्चित रूप से इस देश में आदिवासी, दलित, पिछड़ों का अधिकार और उसके संविधान की रक्षा हम सब मिलकर करेंगे। आज इन मेहमानों का, इन साथियों का मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आगे की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे और आप लोगों के साथ परछाई की तरह हम लोग भी आपके साथ खड़ा रहेंगे। यह हम आपको आश्वस्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।